अभी रिसेंटली आपने बताऊँ मैं 500 कनेक्टर लगाए हैं, कद फार मारा था मैंने तो बिरयानी लग गया, मतलब 6 साल हो कनेक्टर लेस बनवा रहे हो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बाढ़ मचाओ, आपके सामने मेरे सामने आप ये बाणे खड़ी हैं, 40-50 बाणे हो देखो, सड़क पाई मेरे पे 4 बाणे ऐसी है संपर्क में, मानस गाँव की सिलेक्टेड 3 बारी बारी किसी ने ली, वो फिर तक खाँदी बेचारी यह रोजगार दे रहा बिना पर्ची बिना खर्चे। इनकी 19 में देखा 75 पार 75 पार 40 पर आ ली यार। नमस्कार कैथल खबर से, मैं विक्रम यादव। सीईटी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और आप देख सकते हैं तस्वीरें, लगातार ये सीईटी क्वालिफाइड बच्चे हैं जो लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि इनके जो इनको क्वालिफाई, जैसे इन्होंने सीईटी का एग्जाम किया है कि इनको एग्जाम में बैठने दिया जाए, लेकिन सरकार भी अड़ी हुई है, 4 गुना बच्चों को सिर्फ उठा रही है। तो आज कैथल में बहुत बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा, लेकिन जो तस्वीरों में देख सकते हैं ये सीईटी क्वालिफाइड बच्चे हैं जो लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या कुछ इनका कहना है, कहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँची, इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी भाई, क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप संधू है सर, गांव मेरा कुतुबपुर जी। शुरू से आप मतलब सीटी की आवाज़ उठा रहे हो, तो रीजन क्या है, क्यों नहीं समस्या समाधान हो रहा है? समाधान तो ये सरकार भिड़ने के चाह रही है, अगर 2 नंबरी भर्ती करवा रही है। यदि इनती कॉमन टेस्ट लेना था तो कॉमन बनाकर रखो इस थी, इसमें डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हुए ऐड हो रहे हैं, कोई डिप्लोमा कोई डिग्री कोई स्पेशल एजुकेशन कर रहा, कोई डांसर की पोस्ट है इसमें बताऊँ मैं आपने, कला की भी वो डिफरेंट है, उसमें क्या पता एस्पिरेंट भर्ती 4 होकर मेरा 2 मिला हरियाणा में। यदि आप लोग ऐसा कर रहे हो, उनका भी क्राइटेरिया 40-50 का रख दिया, मैं इस पर मुखिया फोकस करूँ स्पोर्ट्समैन पर, मुखिया फोकस करूँ एक्सोरिसमैन पर, उनके भी 40 नंबर क्वालिफाई, मिनिमम 50 नंबर कैटेगरी वाइज, उनकी तो रहता हूँ खट्टर 40 पर लिस्ट नहीं गई हरियाणा में कदे, वो भी भुक्त भोगी हैं। चल माम तो पढ़ा दे, माम तो सामान्य श्रेणी के आगे, मामा 40-50 लेने लेने उनके तो पसीने छूट लिए 40-50 में भी, और वो लेके हुए भी झटका, उनकी नौकरी होगी कर दी पहला सिद्धि, जैसे स्पोर्ट्समैन की ठाऊँ मैं अपना 1500 पोस्ट 1518 पोस्ट, ये भी लग क्यों नहीं 18 डी ग्रुप की पूरी हो रही, ये भी लग क्यों नहीं रही, मेरे पास 4 बहन ऐसी है संपर्क में, मानस गाँव की सिलेक्टेड 3 बारी बारी किसी ने ली, वो फिर तक खाँदी बेचारी यह रोजगार दे रहा बिना पर्ची बिना खर्चे। अब यदि इनकी करना बात अरे सीरा भाजी, 4 जुलाई ने इनकी मीटिंग कैबिनेट की अपनी, जो गठबंधन सरकार JJP उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रही है अपने, तो खट्टर खुट्टर है, तो मारी भी हाथ जुड़गा भी नंबर प्रार्थना है, जड़ा युवा खड़िया 2024 में उसका वोट का भरिया गढ़ा, और नहीं तो वो किचड़ में कोए हो किचड़ में पड़े। हाँ जी, तो मतलब इसमें क्या लगता है आपको कि सरकार क्यों नहीं बैठाना चाह रही, जो 4 गुना से जो बच्चे रह जाएंगे? देखो जी, ये मेरा निजी विचार है, मेरा न्यू लगा है अपनी सेटिंग करनी है इनकी, बहुत दिन हो गए 14-19 में, तो इनकी पीछे बहुत बड़का ने बहुत रोजगार दिया, मेरा गांव में 3 लग रहे हैं, एक JEE एक SI में, देख क्या बात मुखाऊंगा बखूबी बिना पर्ची बिना खर्ची, जो इनके बंदे सेट को नहीं हुए। इनकी 19 में देखा 75 पार 75 पार 40 पर आ ली यार, तो इनकी इपकड़ा नहीं सोचा भाई और नहीं बड़का ना ले लिया अपना ना, वोट तो आने हो नहीं खत्म है, पहलवान किसान जवान युवा सब खिलाफ खड़े हैं, इनकी भी दिख रही है। यदि ये इवन हो रहा अपना ले लिया SKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम, अभी रिसेंटली अपना बताऊँ मैं 543 कनेक्टर लगाए हैं, कद फार मारा था मैंने तो बिरयानी लग गया, मतलब 6 साल हो कनेक्टर लेस बनवा रहे हो, सीधी लिस्ट वाई दिखी, अरे इसकी भी नहीं दिखाई, कुछ तो ऊपर दाम कर रहे हैं हमारे भाई। देख माम मैंने बेरा जी, मैंने 42 दिन हो गए इस आंदोलन में, कुछ दिन मेरा एक पेपर मैं भी गया तो मैं फैलूँ, अरे जो क्वालिफाई हो गया फिर मेरा 10-12 पेपर दूंगा मैं तो भी फैलूँ, लेकिन न्यू है जो मेरे बहन भाई पिछले 5-7 साल तक झाड़े भर रहे हैं वह नहीं है, वो एक क्रिमिनल की पोस्ट लेंगे, टैक्सेशन इंस्पेक्टर नहीं लेंगे, मैं उनके खातर खड़े हैं और डटका खड़े हैं। यदि क्वालिफाई हो गया ना बहुत सी बहना के न्यू आवाज 50 नंबर 52 नंबर आगे स्पेसिफिक सिलेबस उनका, वो सर उन बच्चे ने बीट कर देंगी तो पुराना, क्योंकि इनती 4 दिन पहला सिलेबस दिया था जो कि हमारा ऊपर थोपया है, आज तक हरियाणा इतिहास में 15 नंबर की इंग्लिश होनी आई जी, 15 की इंग्लिश हिंदी, वो 30 नंबर का मार्जन है, स्कोर लो ले गया, इस कारण मैम स्कोर कितने मैं कम रह गए। ये बिंदी डी ग्रुप का कर ले, इनके ऊपर प्रेशर पाया, मैंने पूरा दबका पाया, इनकी डी ग्रुप पे अनाउंसमेंट कर दिया, डी ग्रुप उसमें कंप्यूटर काट दिया, भाई कंप्यूटर नहीं आवागा, इमाम कंप्यूटर पढ़ांगे नहीं पढ़ांगे अंधे को पेपर में, ये इस तरह से सिलेबस देना 15 हिंदी इंग्लिश 5-6 महीने पहला, ये 4 गुना ही बात करें मैम, 2 गुना में आवा मैम, 1 गुना भी आवा मैम, उससे आता प्रिपरेशन कर दे, 4 दिन पहला सिलेबस थोपया और तब बीमार नहीं रही मन में कैमरा आवा पेपर खोलिया हिंदी इंग्लिश पाई 15-15 नंबर की जी, अरे बाढ़ हरियाणा का युवा नहीं है जी, बड़ा है इंग्लिश बड़ा चल रहा है जी, इंग्लिश मान ना हम CGL में टॉपर नहीं हुआ, CGL मारे लिए ऑप्शन है, तो मेरा अभी भी नंबर प्रार्थना है हमारे साथ तो आम आदमी आओ पार्टी कांग्रेस आओ, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि हमारा साथ तो दे रहे हैं, ये हमारा मुद्दा हरियाणा में गरमा रहा है,
तो आम आदमी पार्टी का भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं, और कांग्रेस भी आई उसका भी, और जो भी आगे साथी आए पत्रकार साथी जो भी आप भी है, आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोग ही हमारी आवाज़ को पूरे हरियाणा में गुंजा रहे हो। लोकल पत्रकार, मेरा इंटरव्यू है ना नेशनल मीडिया में भी आ लिया जी। हाँ जी, एक बात है, जैसे शुरू में किसान ने मतलब किसानों ने आंदोलन किया, उसके बाद खिलाड़ियों ने आंदोलन किया, अब जो युवा है देश का, युवा मतलब जो भविष्य बनाता है देश का, वो भी सड़कों पर है, सड़कों पर उतारना काम कर रहा है। देखो जी, ये कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बाढ़ मचाओ, आपके सामने मेरे सामने आप ये बाने खड़ी हैं, 40-50 बाने हो, देखो सड़क पाई करनाल गए 60 बाने मेरे लग गई थी, कैथल का 5 बस लेकर गया जी मैं, 5 बस मतलब 300 स्ट्रेंथ, यदि हिंदी लिंगानुपात तो सुधार दिया 1000 का पीछा अपना, अब सब लास्ट थे 2011 की जो अपनी जनगणना हुई थी रिसेंटली, अब बहुत ऊपर 1000 के ऊपर 11 थोड़ी खड़ी है, फिर बीमा मरांडे अंडा कहता है 100 तो यूपी एम पेड़ ले जाए ब्या का कहना ले जाए वह नौकरियां पर, और नौकरी प्रेफरेंस होगी आजकल ब्याह की सरा सर खटर खुतर अंडा मान नहीं मारा है। मैं आम आदमी पार्टी की स्टेट सेक्रेटरी हूं, और मैं हम लोग युवाओं की आवाज़ यहां पे कैथल में उठा रहे हैं। देख लिए लीजिए, सरकार बात करती है युवाओं की, आज का युग चल रहा है, आपको जानते हो कि पूरे 100 साल में एक बार ऐसा होता है कि किसी देश में युवा सबसे ज़्यादा होते हैं, अभी वो दौर भारत में चल रहा है, उसके बावजूद आज युवा की सबसे ज़्यादा आबादी है, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा 1 है बेरोजगारी में, और आप ये देख रहे हैं कि जो खेलों में जो सेना में जाने में 1 होता था आज वो बेरोजगारी में हो रहे हैं, लगभग 24 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आप स्थिति देखिए कितनी शर्मनाक है, और यहाँ पे युवा साल दर साल परेशान होता आ रहा है, और आप ये सिचुएशन देख सकते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? अनीता, कांगथली से। कांगथली से? हाँ जी, ड्यूटी क्वालिफाइड? हाँ जी। हाँ, बच्चे के साथ आए हो आपको भी यहाँ, मतलब आंदोलन करना, क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहते हैं जो आज का ये कार्य है इसे सफल बनाने के लिए, इन युवाओं को साथ देने के लिए जो हमें यहाँ प्रदर्शन में इनवाइट किया है, हम इनसे तन मन धन से यहाँ से इनका साथ देंगे, और इनके हर पक्ष हर जगह पर हर काम जहाँ मोड़ जहाँ हमें बुलाएंगे हम वहीं इनके साथ खड़े। मतलब जैसे सीटी का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया था तो कहीं ना कहीं उम्मीद जगी थी नौकरी की, तो आप वो उम्मीद कहाँ जगी? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं जगी, और शायद ये सरकार जगने भी ना दे। 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो वो ये उम्मीद जागने का जरिया सोचेंगे। हाँ जी।